पढ़ना चाहती हूँ मैं, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? देखिए ये तन्नु किसके पास खड़ी बातें कर रही है, कितनी लंबी गाड़ी वाले से इसका क्या ताल्लुक है? हालात की वजह से लिफ्ट ले रही होगी शायद, घरों में देखता हूँ। ओके, हम लेने आए उसे, लिफ्ट ले रही होगी। तो ये बात उसे तो नहीं पता ना? लेकिन उसे ये तो मालूम है ना, इतने बुरे हालात में हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे, लेने आएंगे। और ये देखिए बातें कैसे कर रही है उसके साथ हंस के, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कितने अरसे से ये इस लड़के को जानती है। मेरी माने, चलें यहाँ से, फजूल में अपनी इज्जत का तमाशा मत बनवाए, बिलाल को भी लेना है। लेकिन भाई रिक्शा चलाओ तुम। मैं अपने वालिदैन को आपके घर भेजना चाहता हूँ, आप बताएं मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर कब भेजूं? आपको खुदा का वास्ता, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइए, और अगर आप वाकई शरीफ आदमी हैं तो इस वास्ते का पास रखिए। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था है जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। अब तो आपने अपनी भांजी को आंखों से देख लिया ना उस गाड़ी वाले से बातें करते हुए, अब क्या ख्याल है आपका अपनी मासूम भांजी के बारे में? मेरा दिल नहीं मानता, हो सकता है कुछ और बात हो, हालात की वजह से किसी से मदद मांग रही हो। वाह मतीन साहब वाह, कमाल करते हैं आप भी, आंखों देखा आप कैसे झुठला सकते हैं? उस लड़के का एतमाद देखा था आपने, गाड़ी से बाहर निकलकर तन्नो से कैसे बातें कर रहा था, मदद करने वाले ऐसे होते हैं? एको मुझे भी बताएगा, मैं भी यहाँ मरी हुई हूँ, क्या हो गया? होना क्या है अम्मा, हड़ताल की वजह से हमें जल्दी वापस आना पड़ा, हमने सोचा बिलाल और तन्नो को ले लेते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहाँ तो कहानी और चल रही थी। क्या मतलब है, साफ साफ बताना रिहाना। अम्मा तन्नो तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, एक गली में तो दूसरा कॉलेज में, एक ना शुद्ध दो दो शुद्ध। अल्लाह माफी, अल्लाह बेशर्मी की इंतहा, ये जमीन ना फट गई, अल्लाह आसमान ना टूट पड़ा। अरे वो है कहाँ महारानी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। मतीन अहमद आप कहाँ चले, भांजी पर बात आई तो मुंह में जुबान नहीं है, मुंह को ताला लग गया है, औलाद से अगर खता हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं आप। अरे अम्मी हुआ क्या है? अरे होना क्या था, हम तन्नो को लेने वहां पहुंचे तो तन्नो बेगम एक बड़ी गाड़ी के पास खड़ी एक लड़के से बातें कर रही थी। बड़ी सी गाड़ी? हाँ एकदम नई चमचमाती गाड़ी। और लड़का कौन था? अरे मुझे क्या पता लड़का कौन था, हम तो रिक्शे में थे, दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अरे अम्मी आपको पता करना चाहिए था कि वो लड़का कौन था और वो तन्नो किसके साथ खड़ी थी। हाँ और क्या, पता तो करती लड़का कौन है इतनी लंबी गाड़ी में। अरे अम्मा उस लड़के से हमारा क्या लेना देना। वैसे भी मजा आएगा, अभी आएगी ना तो अब्बा उसकी खूब खबर लेंगे। अरे मुझे तो तुम्हारे अब्बा का भी कोई एतबार नहीं और ना उस तन्नो का, मुझे तो लगता है उस तन्नो की मुझे खुद ही खबर लेनी पड़ेगी। अच्छा तो तुम यहाँ रहती हो।
कहाँ से आ रही हो तुम और किसके साथ मिलकर हमारी नाक कटवा रही थी? कैसी बातें कर रही हो नौरी? मैं कॉलेज से आ रही हूँ और कहाँ से आऊंगी? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। किसके साथ चल रहा है तुम्हारा चक्कर? क्या बकवास कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम्हारी समझ का मैार काफी ऊंचा हो गया आजकल। बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों के साथ ताल्लुकात जो बनानी है तुमने, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। वैसे मुझसे क्या छुपाना, मुझे तो बता दो कौन है वो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हटो पीछे। मेरा तो सिर्फ दिमाग ही खराब हुआ है, लेकिन तुम्हारी तो हरकतें भी खराब है। मोहल्ले में हमारी कुछ इज्जत है, मुकाम है, अगर कोई देख लेता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारा नहीं, कम से कम अब्बा का तो ख्याल कर लेती। ये जो चेहरे पे तुमने मासूमियत का नकाब लगा रखा है ना, आज ये खुलकर सबके सामने आ गया कि तुम्हारी असलियत क्या है। वैसे अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। चुप हो जाओ रेहाना, चुप हो जाओ खुदा के लिए। अम्मी आ गई है तन्नो। तन्नो बताओ सबको, कहाँ थी तुम और ये गाड़ी वाला कौन था जिसके साथ तुम बीच सड़क खड़े होकर बातें कर रही थी? तुम्हें क्या लगा कि हड़ताल है, कोई देखेगा नहीं? लेकिन हकीकत ये है तन्नो कि सच कभी छुपना नहीं, कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। मती ने मत पूछे, पूछे जरा अपनी चहेती से। आज तो आप अपनी आंखों से देख कर आए हैं ना, हम कहते तो ये झुठला देती। तन्नो बेटा ये सब क्या था, कौन था वो लड़का? मामू जान मैं सच कह रही, मैं उसे नहीं जानती। तो फिर तुम्हारे पास खड़ा क्या कर रहा था? तो खुद आया था मेरे पास, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा अगर जानता नहीं था तो खुद कैसे आ गया है? वाह मैं सच कह रही हूँ मामू जान, मैं नहीं जानती उसे। तो फिर बता, तू अगर उसे नहीं जानती तो वो तुम्हें कैसे जानता है, बोल जवाब दे। मेरा यकीन करे मामू जान, मैं सच कह रही, आप जानते हैं ना मैं आपसे झूठ नहीं बोलती। कहाँ चले, पूछोगे नहीं अपनी भांजी से हैं, सती सावित्री से कि किसके साथ मुकाला करके आ रही है? अम्मा अब आंखों से देखा है कैसे जवाब देंगे, जाएंगे ना। ओहो बस से बाहर हैं। अब्बा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। मैं चाहता हूं कि आप मेरा रिश्ता मतीन साहब के घर लेके जाएं, नौरीन के लिए। क्या क्या कहा तुम? तुम होश में तो हो? वो शख्स तुमसे अपने घर की इज्जत बचाने की तकदो में है, जो रोजाना मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि मैं तुम्हें किसी तरह समझा सकूं,
उसकी इज्जत बचा सकूं। उसी के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं। तो इस पे क्या हर्ज है अब्बा? आपने कहीं ना कहीं तो मेरा रिश्ता करना था ना, तो फिर यहां क्यों नहीं? हाँ, करना था, जरूर करना था। अगर तुम किसी काबिल होते, तुमने तो मेरा सर शर्म के मारे ना सिर्फ पूरे खानदान में बल्कि पूरे मोहल्ले में झुका दिया है। कौन शरीफ आदमी तुमसे अपनी बेटी की शादी करेगा? अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझे किसी काबिल ही नहीं समझते? ये तुम खुद अपने आप से पूछो। अब्बा आप मुझे साफ साफ बताइए, आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे या नहीं? नहीं, मैंने पहले भी मना किया था और आज भी मना कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर हरगिज कहीं नहीं जाऊंगा, न सिर्फ मतीन बल्कि किसी और के घर पर भी नहीं। किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। खुदा का वास्ता, आइंदा मेरे रास्ते में मत आइए। और अगर आप वाकई शरीफ आदमी हैं, तो इस वास्ते का पास रखें। मैं उस वास्ते का पास करूंगा, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर तो भेज सकता हूँ। मजहब इखलाक इतनी इजाजत तो देते हैं। जो खड़े खड़े सोचते रहोगे तो तुम्हारी मोहब्बत की ये कश्ती बीच समंदर हचकोले खाती खाती डूब जाएगी। तुम कब आए? जब आप भाभी की यादों में खोए हुए थे। तुमने बात की या नहीं? वो बहुत मुख्तलिफ लड़की है। वो देखने में जितनी मासूम लगती है उससे कई ज्यादा सादा और अंदर से डरपोक है। वो बचपन में कहानियां सुनते थे ना कि परियों का भी एक देश होता है, उसकी मासूमियत देखकर लगता है वो उसी परियों के देश से आई है। तुमने यार तारीफों के तो पुल बांधना शुरू कर दिए। मैंने पूछा था कि बात की या नहीं। अच्छा यार, कहां से लिया? इसके बारे में क्या बताओगे तुम? क्या बना? कुछ नहीं। क्या बनना था फिर? सोच रहा हूं उसके घर मामा पापा को भेज दूं रिश्ता लेके। प्लीज यार, इस बार सिर्फ सोचना मत, इसमें अमल भी कर लेना। अब जल्दी से एक अच्छी सी कॉफी पिलाओ। एक कॉफी। मतीन अहमद, क्या हो गया है आपको? कब से चक्कर लगा रहे हैं आप? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से आपने कुछ खाया पिया भी नहीं। कुछ खाई नहीं का? नहीं खाना मुझे। आए हाय, मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जाकर खबर ले अपनी भांजी की, उस पर गुस्सा हो।
जिसने चक्कर चलाए मेरे लड़कों के साथ। जबान संभाल के बात करो। मतीन अहमद, किस किस को जबान बंद करने का कहेंगे आप? आज तो ये लड़की घर वापस आ गई है, कल कलां को किसी के साथ भाग गई, किस किस की जबान को पकड़ेंगे आप? मैंने फैसला कर लिया। क्या फैसला? नौरीन और तंजीला अब कॉलेज नहीं जाएंगी। क्या नौरीन कॉलेज नहीं जाएगी? ये बैठे बिठाए क्या सूझ गई आपको? उस मनहूस तन्नू की वजह से मेरी बेटी पढ़ाई छोड़े क्यों? आपको पता है ना उसके पेपर होने वाले हैं। मैंने कहा ना कोई कॉलेज नहीं जाएगा, हो जाएंगे इम्तिहान भी। और हाँ, एक फैसला मैंने और किया। वो क्या? मैं नौरीन की शादी कर रहा हूँ, दो चार रोज में लड़के वाले देखने आएंगे उसे। लो भाई, ये एक नई कहानी आ गई। हरकतें करे इनकी भांजी, सजा काटे मेरी बेटी। उस घटिया लड़की की घटिया हरकतों की वजह से मैं अपनी बेटी की जल्दी शादी क्यों करूं? ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं। देखते जाइए। ये जो चेहरे पे तुमने मासूमियत का नकाब चढ़ा रखा है ना, आज ये खुलकर सबके सामने आ गया कि तुम्हारी असलियत क्या है। हमारा नहीं, कम से कम अब्बा का तो ख्याल कर लेती। मामू जान, मैं सच कह रही, मैं उसे नहीं जानती। क्या हुआ, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। मगर क्यों? नाश्ता किए बगैर आप दवा कैसे खाएंगे? जब किसी का मांग या भरम टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है, फिर भूख प्यास सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। मैं किसी भी तरह अपने अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा, अगर तुमने इनकार किया तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। जुनैद वो लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की के हाथ आसानी से बेवकूफ बन जाए। आप एक बार अपनी तन्नू की आंखों में देखिए, आपको सच्चाई नजर आएगी। मामूजान ने कभी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे आपकी इज्जत पे हर पाई आपका मान टूटे।